मायो में डिप करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख्वातीन हज़रात, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो लेट होने के बावजूद आपके लिए बहुत सारा खाना लाए हैं, अपने लिए। आप लोग देखोगे, हम लोग खाएंगे। तो आज हमने ये फूड मंगवाया है पिज़्ज़ा पैलेस से। बता दूं, मेरे पास ये सामने जो रखा हुआ है अपना बिग मैक बर्गर है, मैकडोनल्ड का नहीं, पिज़्ज़ा पैलेस का। और यहाँ हमारे पास है ये, उसे भाई इसकी प्राइस कोई 550 रुपये थी, लेकिन देखने से डिज़र्व भी करती है। ऊपर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये इसके पिज़्ज़ा वाला जो वो होता है ना बर्गर, ऊपर वो है, बाकी नीचे और भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। सामने मेरे पास यहाँ रखी हुई है अपना फिश स्टिक, और ये क्लब सैंडविच, नीचे इसके बन रखा हुआ है, और ये सॉस रखे हुए हैं पेरी पेरी विंग्स, और ये है मलाई बोटी पिज़्ज़ा, और यहाँ हमारे पास है हॉट शॉट, और यहाँ उसैब भाई के सामने रखे हुए हैं ब्रोस्ट, और यहाँ है पिज़्ज़ा शॉर्मा, बाकी फ्राइज़ वगैरह हैं। तो चलें शुरू करते हैं बग़ैर किसी इंतज़ार के। ज़ोरों की भूख लगी हुई है और फ़ास्ट फूड की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग है। क्लब सैंडविच से शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रोस्ट से शुरू कर लेता हूँ, और ये है लेग पीस, साथ में ये उठा लेता हूँ अपना सॉस। पहले एक बाइट ऐसे ले लेता है। आला बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, और अंदर अच्छी तरह लोड की हुई है। ये अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है मुझे ये उसे भाई के लिए, लेकिन सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे इतना अच्छा नहीं है। सब ड्रिंक्स मिसिंग है हमारी। विंग्स ये हॉट शॉट भाई, हॉट शॉट ट्राई करते हैं। ये भी कमाल। एक ऐसे ट्राई करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जला हुआ है आगे से। मुझे अभी तक तो एवरेज ही लग रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ब्रोस्ट खाया और हॉट शॉट ठीक है, सॉस के साथ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैसे अभी जो हॉट शॉट मैंने ये खाए ना, इसमें थोड़ा जो ऑयल है ना काफ़ी पुराना इस्तेमाल किया गया है, मतलब बार बार इस्तेमाल होने वाला है। शायद ब्रोस्ट में भी वही है, मुझे ऐसा लगा। आप ट्राई करेंगे तो ये फ्राइज भी देख लेते हैं हम। फ्राइज जो शक्ल से बता रहे हैं, हाँ, ये अपना वो जो मतलब बार बार इस्तेमाल होने वाला ऑयल होता है ना, उसी से बनाए गए हैं ये फ्राइज, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, मुझे नहीं अच्छे लगे। वही उसी की तरह है जैसे भी बोल रहे हैं, और बिल्कुल ऑयल सामने नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये अपना स्टिक सैंडविच के पास जा रहे हैं, ये फिश स्टिक के पास जा रहे हैं। मुझे एक उठा दें वहीं से। ये ले हूँ सर भाई। अच्छा भाई, ये फिश स्टिक है, लोडेड है वो काज भी नजर आ रही है। इसकी जो शेप है वो फिश की तरह है, लेकिन अंदर चिकन है उसे भाई। उस शेप की वजह से ही नाम दिया हुआ है इन्होंने फिश स्टिक का। ऐसा है ना, फिश चिकन है ना ये, मुझे लग रही है चिकन है वो काज। ये देखो भाई, फुल्ली लोडेड है, देख रहे हो, लेकिन टेस्ट अच्छा आ रहा है, मुझे टेस्ट जबरदस्त लग रहा है, और फुल चीजी है ये, देख सकते हैं आप। और भी उठा दें, मैं आपको ऐसे तंग करता रहूँगा, आप क्या आगे रखे हुए ये लो साहब, क्या ही आप
नहीं सारा भी ना दे मुझे, इसको मैं इधर रख लेता हूँ आधा और ये मैं दे लेता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये सबसे कमाल है भाई अभी तक, काफी अच्छी बनाई हुई है ना, कुछ नया निकाला है इन्होंने। ये फिश इधर हमारे एरिया में ऐसी और कोई चीज नहीं है तो मैं, अच्छा साहब भाई मैं ये अपना पिज्जा शवरमा ले लूँ, आपके सामने रखा हुआ है ये, आधा मेरे पास आ जाएगा, आधा साहब भाई के सामने है। बिस्मिल्लाह। क्लब सैंडविच में टमाटर कुछ ज्यादा ही है, टेस्ट ठीक लग रहा है। पिज्जा शवरमा है ना साहब भाई, ये मुझे सही नहीं लगा, देखने में तो बहुत ही सही लग रहा है। ठीक है, एवरेज है। इसमें मसला ये है, ब्रेड कुछ ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा टेस्ट दे रही हूँ। ब्रेड ज़्यादा है और मतलब जो अंदर चिकन वगैरह उसकी लोडिंग बहुत कम है। मलाई बोटी पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाह। पहली सबसे पहली बार बहुत ही सॉफ्ट है। हमारा पिज्जा ठंडा भी हो जाता है इसकी वजह ये भी है, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट सॉफ्ट है। सही है, जो स्पाइस है ना वो बहुत कम है इसमें। पिज्जा में भी इनका वही हाल है, लोडिंग कम है, चीज ज्यादा है और ब्रेड ज्यादा है। लेकिन ब्रेड मुझे पता नहीं क्यों, सॉफ्ट बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेश फील नहीं हो रही। सर भाई ये ब्रोस तो हमने बन के साथ वो ही नहीं किया, तो ये एक बन मुझे दे दे, एक बन आप उठा दे, ट्राई करते हैं अब इसको। सर भाई ये क्या, वो काग भी मुझे क्या खराब खराब फील हो रही है अंदर से, ठीक तरह से ये गली भी नहीं हुई अभी तक, कोई पानी इसके अंदर है। सर भाई दिखा। हाँ ये ब्रोस सही नहीं है भाई इनका, बहुत ही औकात खराब है क्योंकि सारा पानी पानी हो रहा है, ब्रोस वाली फीलिंग ही नहीं हो सकता भाई। इसको मैं सॉस के साथ लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है टेस्ट खराब आने वाला है। ये सिंपल जैसे चरवे नहीं होते उसे भाई, वो भी अपने मसाले लगाकर टेस्ट बेहतर होता है। ये देखें सही नहीं पका हुआ, इसको तो करते हैं साइड पर। कैसे उसे भाई, ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं, ठीक तरह से गला भी नहीं हुआ। साहब मैं तो अपना ये बर्गर पर आ रहा हूँ, ये कैसे खाएं, उतार कर खाएंगे क्या, वही मैं देख रहा हूँ कैसे इसे खाएं। इसे वकास भी ऐसे पकड़ कर ऐसे खाएं, पहले ऊपर वाले खा लेते हैं फिर नीचे वाले, कैसे बोलते हैं आप, ले जैसे करें ये आधा मेरे पास आधा उसैब भाई के पास, आधा मैं ये उठा देता हूँ।
इस पर तो पूरी पैटी रखी हुई है वगास भी, देख ले। मैं फुल मैसी हो चुका हूँ। जो इनकी फ्राई की हुई चीजें हैं ना, वो सही नहीं है। उसे अभी वहाँ पर झोल है कुछ, हाँ कुछ तेल वगैरह का झोल है उसमें। अब ये जो पैटी है वो भी ऐसे लग रही है उसे भाई, ये पैटी सारी ऐसी लग रही है, सेम है। बहुत ही गंदा झोल है, खुद ही खराब किया हुआ है चीज़ों को। हाँ बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सही हैं। जो फ्राइड चीज़ें हैं ना, उसमें ऑयल की वो है, वो वगैरह है। अच्छा भाई, जो ये फ्राइड चीज़ें हैं वो, ये बर्गर से हमने जान छुड़वाई है, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन जो फ्राइड चीज़ों में वो है ना, वो हाँ वो है। ये भाई छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मैं अपना विंग्स पिज्जे के ऊपर रख कर खाना चाहता हूँ। हॉट शॉट तो ले रहे हैं काफी, विंग्स वो भी ले लेते हैं सभी। इसमें क्या बात है, ये ना भाई हॉट शॉट भी है और थोड़ा सा इसको अपना मायो में डिप करके। मैंने तो सब कुछ को मिला दिया। तो भैया इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।